प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भुवनेश्वर स्थित राजभवन में स्वतंत्रता सेनानियों के परिजनों को सम्मानित किया। ये स्वतंत्रता सेनानी पाइका विद्रोह से जुड़े हुए थे। पाइका समुदाय ने अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह किया था। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की आज़ादी की जंग में जनजातीय लोगों का बड़ा योगदान है। उन्होंने कहा कि सरकार ने जनजातीय लोगों की आज़ादी में दिए योगदान से आगामी पीढ़ी को परिचित कराने के लिए जानकारियों को वर्चुअल माध्यम से पेश करने की योजना बनाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लिंगराज मंदिर का दौरा कर पूजा अर्चना की। इस मंदिर का इतिहास काफी पुराना है और इसकी काफी धार्मिक मान्यता है। प्रधानमंत्री आज से गुजरात और दादर और नागर हवेली के दो दिवसीय दौरे पर पहुंचेंगे सूरत। कई परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और जन कल्याण योजनाओं की करेंगे शुरुआत। पीएम का सूरत में होगा रोड शो। चंपारण सत्याग्रह के 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में मोतिहारी में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। यात्रा मोतिहारी के गांधी संग्रहालय से शुरू होकर चंद्रहिया गांव तक गई। भाजपा ने कहा है कि पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिए जाने में कांग्रेस बाधा पहुंचा रही है। भाजपा नेता प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि काले धन के खिलाफ लड़ाई और नोटबंदी में विपक्ष ने सहयोग नहीं किया, लेकिन लोगों ने बहुत सहयोग किया। भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के नगर निकाय चुनाव के लिए संकल्प पत्र जारी किया। भाजपा ने राज्य में अस्थायी कर्मचारियों को नियमित किए जाने की बात को अपने संकल्प पत्र में शामिल किया है। भाजपा नेता सुधांशु द्विवेदी ने कहा है कि दिग्विजय सिंह की बातों को गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। मुंबई, चेन्नई और हैदराबाद से उड़ान भरने वाली फ्लाइट्स को एक साथ हाईजैक करने की साजिश से जुड़ी खुफिया सूचना मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। दिल्ली समेत समूचे उत्तर भारत में तापमान लगातार बढ़ रहा है। तेजी से ऊपर जाते पारे और लू से जनजीवन प्रभावित होने लगा है। राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत के अधिकतर शहरों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार दर्ज किया गया। सीरिया में सरकारी नियंत्रण वाले दो शहरों फुआ और कफराया से बसों में भरकर बाहर निकाले जा रहे लोगों के काफिले पर कल एक बड़ा आत्मघाती कार बम हमला हुआ। इस हमले में कम से कम 100 लोग मारे गए। दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि उत्तर कोरिया का नया मिसाइल परीक्षण असफल रहा। मंत्रालय ने एक बयान में बताया कि उत्तर कोरिया ने सुबह साउथ हैमक्योंग प्रांत में सिनपो इलाके से एक अज्ञात प्रकार की मिसाइल के परीक्षण का प्रयास किया। सिंगापुर ओपन सुपर सीरीज में पुरुष एकल का खिताब बी साई प्रणीत ने अपने नाम कर लिया है। उन्होंने फाइनल मुकाबले में किदांबी श्रीकांत को मात दी। देश भर में श्रद्धालु आज ईस्टर का त्यौहार मना रहे हैं। गुड फ्राइडे के तीसरे दिन यानी रविवार को ईस्टर डे मनाया जाता है। देश में शेरों की संख्या लगातार कम होती जा रही है और ये सामान्य रूप से कम ही दिखाई देते हैं, लेकिन गुजरात के अमरेली में लोगों को एक अनोखा नजारा देखने को मिला। यहाँ से गुजरने वाले पीपा वाव राजूला राजमार्ग पर शेर के परिवार के गुजरने के कारण गाड़ियों को रुकना पड़ा।